मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कंपनियां सीएसआर फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18 से 45 साल के लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिलाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है। सभी को जीवन का अधिकार है, यही वजह है राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। ऐसे में अब जरूरत है राज्य सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर लोगों के हित में एक साथ कार्य करें। राज्य में कार्यरत कंपनियां जागरूकता के साथ प्रसार के साथ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने में मदद करें। सरकार वैक्सीनेशन के लिए लॉजिस्टिक में कंपनियों को हर तरह से सहयोग करेगी। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।